इतना सक्सेसफुल बनाने के पीछे सिर्फ एक ही नाम है एंड दैट इज वन एंड ओनली गुलशन कुमार। दिल्ली में गुलशन कुमार कैसेट्स बेचने का काम किया करते थे, फिर वहां से उन्हें इंस्पिरेशन मिली कि क्यों ना कैसेट्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। गुलशन कुमार को इसमें भी कामयाबी मिली। इसके बाद गुलशन कुमार का एक और आइडिया सामने आया कि क्यों ना म्यूजिक क्रिएट करके उसे लोगों तक सर्व किया जाए। इसके लिए गुलशन कुमार ने ऐसे सिंगर्स को लेना स्टार्ट किया जो ज्यादा फेमस नहीं थे और अपनी सिंगिंग के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे। गुलशन कुमार का मेन फोकस उस वक्त सिर्फ भजन पर था और उनका ये आइडिया वाकई में काफी काम आया। इतनी मेहनत के बाद दिल्ली से मुंबई का सफर तय करके गुलशन कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली, लेकिन शायद ही उन्हें ये पता था कि इतना हार्डवर्क करने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गुलशन कुमार के मर्डर के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ माना जाता है, लेकिन उनका एक अजीज दोस्त इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। पूरी अपडेट जाने से पहले चैनल को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुंबई आने के बाद गुलशन कुमार ने बहुत से सिंगर्स को लॉन्च किया। उनकी खास बात ये थी कि एक बार वो किसी के साथ काम करें और वो आर्टिस्ट हिट हो जाए तो वो दोबारा ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करते थे बल्कि नए लोगों को मौका देते थे। इस बीच उनकी मुलाकात हुई नदीम से। नदीम म्यूजिक कंपोजर थे, उन्होंने बहुत से सुपरहिट सॉन्ग्स दिए और गुलशन कुमार के साथ उनकी जोड़ी फिट बैठ गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नदीम का करियर डाउनफॉल की तरफ गया। उन्होंने अपनी आवाज में गाने देने स्टार्ट किए पर वो चल नहीं पाए। इसके बाद नदीम ने गुलशन कुमार से उनके गाने प्रमोट करने के लिए कहा। दोस्ती की खातिर गुलशन कुमार ने ऐसा किया भी, पर फिर भी ऑडियंस ने नदीम को पसंद नहीं किया। बस यहीं से नदीम और गुलशन कुमार की दोस्ती में दरार आनी स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद नदीम ने दोबारा गुलशन कुमार से फेवर मांगा, लेकिन इस बार गुलशन ने मना कर दिया क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा हो रहा था। इसी बीच गुलशन कुमार के पास अंडरवर्ल्ड से कॉल्स आनी स्टार्ट हो गई। उनसे 10 लाख रुपए मांगे गए जो उन्होंने दिए भी, क्योंकि गुलशन कुमार अंडरवर्ल्ड से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे। उस दौर में गुलशन कुमार का टोटल टर्नओवर 236 करोड़ का हो चुका था। पैसे देने के बाद भी अंडरवर्ल्ड ने गुलशन कुमार को कॉल करना धमकाना बंद नहीं किया, बल्कि इस बार उन्हें नदीम के सॉन्ग्स को प्रमोट करने के लिए कहा गया। अब सवाल ये था कि ये बात अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंची और वो गुलशन कुमार को प्रेशराइज क्यों कर रहे थे। गुलशन कुमार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद 1997 में जब गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके लौटे तो ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी जान ले ली गई और वो 3 आदमी अंडरवर्ल्ड के ही थे। चौंकाने की बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन में इस बात का भी खुलासा हुआ कि नदीम के लगातार अंडरवर्ल्ड के साथ कॉन्टैक्ट थे और उसी के कहने पर गुलशन कुमार को ये फोन कॉल्स की गई थी। इसके अलावा टिप्स म्यूजिक के मालिक राजेश तौरानी को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया। नदीम सैफी तब तक इंडिया छोड़कर जा चुका था और आज वो दुबई में ही सेटल्ड है। नदीम ने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। 2003 में ठोस सबूत ना होने के चलते इस केस को बंद कर दिया गया, लेकिन आज भी सब जानते हैं कि कुछ दोस्तों के धोखे के चलते और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन की वजह से गुलशन कुमार की जान गई। शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच बॉलीवुड अपडेट्स एंड न्यूज़ प्लीज़ फॉलो माय लव फॉर बॉलीवुड।